अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के द्वितीय प्रकरण द्वैतत्व प्रकरण के ऊपर विचार चर्चा करते हुए अभी हम लोग वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे दोनों प्रकरण की जो संक्षिप्त अभिप्राय अर्थ उसको इस श्लोक में कहा गया है। आगम प्रकरण और द्वैतत्व प्रकरण में जो भी चीज को कहा गया है उसको संक्षिप्त में अभिप्राय अर्थ को एक श्लोक में कहते हैं। क्या है श्लोक? एक साथ निरोधन च कर्ते न पथो न साधकः न मोक्षं न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थतः। ये आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है अथवा जो भी आपको समझते हैं, इतना जन्म की, इतना संस्कार, इतना अपसंस्कार की अथवा धर्मीय संस्कार कुछ भी, ये कब क्षय होगा? बोलते इसके तुम चिंता मत करना, निरोध उसका रोकने का कोशिश मत करो, कुछ है ये तुम्हारा कल्पना ही था। क्यों? क्योंकि मत करो कि किसको उत्पत्ति नहीं, ना उत्पत्ति ना निरोध ना चो उत्पत्ति, कोई भी चीज़ को भगाने का कोशिश मत करो कि तू उत्पत्ति नहीं भी। आप सत्यत्व को तो मान्यता दे करके उसको हटाने का कोशिश कर दो, मान्यता ही मत दो, वो तुमको स्पर्श नहीं कर पाएगा। ये ना निरोध ना चो उत्पत्ति, जब कोई उत्पत्ति नहीं हुई तो बंधन भी कहाँ से होगा, मुक्ति भी कहाँ से होगा। अब बंधन को अपना मानने वाला हो गया साधक और मुक्ति के लिए प्रयास करता है तो हो गया मोक्ष। इस प्रकार साधकत्व तो, मोक्ष तो ये सब कुछ पारमार्थिक वस्तु नहीं है, ये सब कल्पना ही है। ज्ञान के बाद पता लगता है, ज्ञान के बाद पता लगता है। व्हाट अ वंडरफुल ड्रामा इट वाज, यह कुछ होना संभव नहीं है तो हुआ कैसे, बोला संभव नहीं तो हुआ कैसे, इसको लेकर के यहाँ पे कार्यकर्ता बोल रहे हैं। पूरे मत ये कहना है कि यदि आप एक नियम है शास्त्र जिस चीज को प्रतिपादन करते हैं वो एक बात को एक ही वस्तु को प्रतिपादन करता है, एक बात को एक साथ दो वस्तु को प्रतिपादन नहीं करता तो बात को भेद हो जाता है। यदि एक वेदांत दर्शन मतलब द्वैत प्रपंच के निश्चित करने में प्रवृत्त होता है तब जो है अद्वैत को प्रतिपादन करने के लिए तो कोई बात को रह नहीं जाएगा, तो अद्वैत अप्रामाणिक हो जाएगा। अद्वैत अप्रामाणिक होने पर शून्य बात का प्रसंग आ जाएगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि आत्मा किसी के प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता है, बोध में सबको आता है, इसीलिए इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा भी हमारा काम चल सकता है। जैसे आपने दृष्टांत कह दिया था, एक व्यक्ति को भ्रांति हो गई थी, क्या भ्रांति हो गई थी? एक ऊंट के पीछे ढेर ढेर रुई लेके जा रहा है, एक देखा था एक। तो उसका मन में चिंता हो गया, इतना रुई जा रहा है तो कौन इसको काटेगा, कौन बीनेगा, कौन धुनाई करेगा, कौन करेगा इसको। ऐसा करके जब उनकी चिंता भी उसी से उसका दिमाग कराती, जैसे हम लोगों की चिंता का इतना अनाधिकल से अज्ञान अविद्या चले पड़े हुए हैं, मुक्त कैसे होंगे, कैसे होगा, इतना चीज हटाएंगे कैसे। तो महात्मा मिला लोगों ने बोला देखो इसको कैसा स्थिति है। अच्छा कोई बात नहीं, कल मैं उसके पास अपने आप जाता। हाँ भाई क्या होगा? सब बात गप करते करते, अरे देखिए ना वहाँ पे इतना जो है रू ले जा रहा था, कौन क्या करेगा, इतना चीज को कौन संभालेगा। अरे उनको पता नहीं वहाँ पे जो है ना एक व्यक्ति देखने गया था, इतना रू क्या होगा, बीड़ी छू गया और थोड़ा सा आग वहाँ पे गया, बस था रू जाए। हाँ जल गए, आप वो जाके वहाँ पे तो प्रमाण से देखा नहीं, परंतु भ्रांति से आरोपित था ना, भ्रांति का आरोपित वस्तु सुनते ही एक से आप तो बात को सुनते ही तो भ्रांति मिल जाती है। इसलिए वेदांत में जिस अधिष्ठान के बारे में कहा गया है वो प्रमाण के द्वारा सिद्ध होने से तब जाके शून्यवाद की निषेध हो जाएगा, ऐसे जरूरी नहीं है। क्योंकि किसी भी प्रकार की कल्पना से पहले कल्पिता मतलब जो कल्पना करने वाले हैं उसका अस्तित्व पहले सिद्ध, उसको आप निषेध नहीं कर सकते, वो कल्पना के विषय नहीं बनता, वो कल्पना के विषय नहीं बनता, इसलिए उसको आप निषेध नहीं कर सकते। कल देखिए हम लोग टीका पढ़ रहे थे पेज 130, ठीक है ना, वहाँ पे एक ये बोला था सो आपको आपके सिद्धांतों के अनुसार ही आपको दृष्टांत तो देना है, जरूरी नहीं है। अनुमान क्या किया था यहाँ पे कि पूर्व वाले तो बोलते हैं अद्वैतम असत अप्रामाणिकत्व रज्जु सर्व, परंतु वेदांती के क्या बोलते हैं यहाँ पे कि विमतम हमेशा दृश्यत्वाद स्वप्नवाद, ये जो अनुमान है तो आपने जो यहाँ पे दृश्यता स्वप्नवाद बोला, तीन दृष्टांत दिया था स्वप्नवाद रज्जु सर्पवाद गंधर्व नगरवाद, तीन तरह के मिला करके देखा स्वप्नवाद
लड्डू सर्प वत गंधर्व नगर वत। एक जगह पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता, जैसा पासना है वैसा हम देखते रहते हैं। लड्डू सर्प हम अपने जैसा कल्पना किया वैसा देखते हैं, गंधार भूषित माला गंध, और गंधर्व नगर है मानव मन जैसा कल्पना करते हुए से हम देखते रहते हैं। एक हवा का झोंका आता है, इस समय चला जाता है पता ही नहीं। यहाँ पे इस पंक्ति को पढ़ लिए थे, देखिए पेज 130, समत सम्मत सेव दृष्टांत तथा इति अनियमा। अपने आपके सिद्धांत के अनुसार आपको दृष्टांत देना पड़ेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रसिद्धि मात्रेना परम प्रतिबोधन संभव है, जिसकी प्रसिद्धि है सभी व्यक्ति जानते हैं, किसी अज्ञानी को भी पूछ के देखो, शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा भाई तुम हो कि नहीं बताओ, क्या बोलेगा वो है तो मैं हूँ, ये बोलने किसी का कोई मैं क्या हूँ इसको लेकर के विवाद है, पर मैं हूँ। देखिए तीन शब्द है, मैं हूँ और मैं क्या हूँ, भिन्नता कहाँ पे हुआ, मैं हूँ में कोई कॉमन है, उसमें कोई मत कल्पना नहीं है, वो तो सब क्या हूँ को लेकर के कल्पना है। कोई बोलता है तो कर्ता भोगता है, कोई बोलता है तो अकर्ता भोगता है, इसको लेकर के विवाद है, परंतु मैं हूँ को लेकर के विवाद नहीं है। इसलिए अगर बोलते हैं कि प्रसिद्धि मात्रेना परम प्रतिबोधन संभव, जिसकी प्रसिद्धि है और उसके को समझना आसान होता है। भ्रम बाधे वैशिष्य मानस अवधे सत्यताया, भ्रम का नाश हो जाने पर बचा हुआ जो तत्व रहता है वो अवधि है उसका, उस सत्य होने के कारण रज्जु दृष्टता और रज्जु आदि में ऐसे देखा गया है। इसलिए द्वैत भ्रम बाध साक्षिता, इस द्वैत प्रपंच की बात के साक्षी के रूप में अधिष्ठान के रूप में स्फुरत चैतन्य स्फुरित होता है जो चेतन था। समस्त सब कुछ का बात कर दो, बाहरी वस्तु को बात कर दिया और दृश्य कोटि में कहाँ तक आता है, अपने शरीर इंद्रिय मन बुद्धि बुद्धिवृत्ति अहंकार ये भी आप बात कर दीजिए, परंतु सबको बात करने के बाद बावजूद भी अगर किसी हमारा चेतन शब्द का होती है तो सारा निषेध करते हैं, सारा निषेध करते हैं। इसीलिए आप बोलते हैं कि स्फूरत और चैतन्य स्वकल्पित होता है, वो चैतन्य कल्पित नहीं होने के कारण ही सत्ता सत्य वस्तु न शून्यता कुछ किसी आप शून्यवाद के प्रश्न को नहीं आ सकता है। इति उत्तर महर्षि को मन में रखते हुए उत्तर दिए थे भगवान भाष्य न विकल्पना क्षय अविकल्पित अविकल्पित्वादेव, सारा विकल्प क्षय होने आने पर एक भाग विकल्पना में दो भाग है, एक क्या है ये सर्प है, और भ्रांति जब मिट जाता है तब क्या बोलते हैं ये रज्जु है, ऐसा बोलते हैं ये सर्प नहीं है ये रज्जु है। ये जो दो भाग हो गया, एक हो गया ये है और एक हो गया रज्जु सर्प है। नाम रूप आत्मा भाव में मिथ्यात्व हम बोलते हैं, ये है में हम मिथ्यात्व तो नहीं बोलते हैं। वेदांत ये भी व्यक्ति समझ नहीं पाता वेदांत एक मिथ्यात्व तो क्या है, जो व्यक्ति ने जहाँ पे परिवर्तन मिथ्या क्यों बोला, जो व्यभिचार करता है वो मिथ्या है, जब वस्तु जद रूप में निश्चय तद रूप न व्यभिचारती तद सत्यम, जब व्यभिचारती तद अन्यतम, तो जो व्यभिचार करता है वो अन्यत है। व्यभिचार क्या कर रहे नाम अमृत, और व्यभिचार कौन नहीं कर रहा ये है। इसलिए ये जो सामान्य सत्य अंश है यहाँ पे जो है आप मिथ्यात्व नहीं बोल सकते, और इसके रहने के कारण हमारे पक्ष में शून्यवाद की प्रसंग भी नहीं आता, हमारे पक्ष में शून्यवाद की प्रसंग भी नहीं आता। इसे के यहाँ पे मन में रखते बोलते हैं ये जो आपने अनुमान किया न विकल्पना क्षय, समस्त कल्पना क्षय हो जाने पर अविकल्पित जिसकी कल्पना कौन कौन अंश विकल्पित नहीं हुआ ये है, वो विकल्प नहीं है, पर वो रज्जु अंश विकल्प हो गया। वो कल्पित नहीं होने के कारण ही वो सत्य है, ऐसा करके युक्ति कहने युक्ति संगत नहीं नहीं वो अधिष्ठान भी रज्जु सर्प के समान कल्पित है। ये आप क्या बोलते हैं ये रज्जु है अथवा ये सर्प है, एक ही वाक्य में एक भाग सत्य एक भाग मिथ्या कैसे होगा, क्या बोला ये सर्प नहीं है ये रज्जु है, इसमें एक भाग आप मिथ्या बोल रहे हैं कौन सा रज्जु भाग सर्प भाग, और जो ये है ये जो है ये मिथ्या नहीं है ये आप बोल रहे हैं, तो ये आपका ये कैसे हो सकता है। इसलिए इसको भी आपको मिथ्या मानना पड़ेगा, ये पूर्ववादी होते हैं रज्जु सर्प भाग असत्य मिति से सिद्धांत बोलते हैं न। अब देखिए यहाँ पे तब ये अनुमान के लिए कहा विचार कर अद्वैतम असत अप्रामाणिकत्व रज्जु सर्प भाग, देखे थे आप इसमें ये उपाधि दोष किसको बोलते हैं यहाँ पे अद्वैतम असत अप्रामाणिकत्व रज्जु, अनुमान क्या उसने अद्वैत पारमार्थिक सत्य नहीं है क्यों अप्रामाणिक होने के कारण प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता है, इस कारण से रज्जु सर्प रज्जु जैसा रज्जु को सर्प जैसा दिखाई दे रहा है जिसको प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता है।
तब अकल्पित असिद्धि, इसीलिए वो जो अद्वैत अकल्पित नहीं है ये कहना आपका सही नहीं है। तब अकल्पित असिद्धि कौन सा, ये है भाग अकल्पित है, ये कहना आपका सही नहीं है। एक वाक्य में एक भाग अकल्पित एक भाग अकल्पित ऐसा नहीं कह सकते, पूर्ववादी कहना है, ये पूर्ववादी कहना है। तो हमारे सिद्धांतों को पहले समझ पा किस बात को मिथ्या बोलते हैं, किस बात को सत्य बोलते हैं और क्यों मिथ्या बोलते हैं, क्यों सत्य बोलते हैं। जिस भाग एक ही रूप से रहते हैं, इस प्रकार दक्षिणामूर्ति में स्तोत्र में देखिए, बाल्यादिशु अपि जाग्रतादिशु तथा सर्वासु अवस्थासु व्यापितासु अनुवर्तमानं अहमिति अन्तःस्फुरन्तासु। बाल्य से बाल्यकाल से लेकर के और जीवन के अंतिम समय तक शरीर की जितनी अवस्था परिवर्तन होता जाता है, तो सारा परिवर्तन को देखने वाला मैं, उस मैं में परिवर्तन नहीं होता। बचपन में भी मैं बोलता था, जवानी में भी मैं बोलता है, किडनी बदल गया, हार्ट बदल गया, लिंग बदल गया, फिर भी मन मैं ही रहता है, रहता कि नहीं रहता। मैं कभी व्यभिचार नहीं करता। जो कभी व्यभिचार नहीं करता, सामान्य भद्र मुद्रा बोलते हैं, परंतु अव्यभिचारी मूर्ति को हम भद्र मुद्रा बोलते हैं। वो सबके सामने ये नहीं होता। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भगवान भास्कर भजताम, भजन करने वाला आत्मनिष्ठ व्यक्ति के सामने इति समझ भजताम जो मुद्रा तस्को ही दक्षिणामूर्ति वही आत्मा है। यहाँ भी इसीलिए बोलते हैं इस कार्य को समझे, अद्वैतम असत अप्रामाणिक, अद्वैत सत्य नहीं है, प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता। इस कारण से जैसे रज्जु सर्प, इसीलिए अकल्पित मतलब वो जो अधिष्ठान की एक अंश कल्पित नहीं, इस प्रकार जो आप कथन कर रहे हैं ये कथन आपका सही नहीं है। ये शंका करते हैं, संकते शंकावादी ऐसा बोलते हैं। इसमें देखिए सात नंबर और आठ नंबर टिप्पणी, सात नंबर टिप्पणी बोलते हैं अद्वैतम असर इत्यादि भ्रांति विषयत्म अत्र उपाधि दृष्टि, अनुमान में एक उपाधि दोष है। क्या उपाधि दोष है, आपने क्या व्याप्ति दिखाया, जो प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता वो असत है, जो प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता वो असत है। परंतु वेदांतिक सिद्धांत ये नहीं बोलता, वेदांतिक सिद्धांत बोलता है जो भ्रांति से प्रतीति होते हैं वो असत है। क्या बोला, भ्रांति से जिस वस्तु की प्रतीति होती है वो असत है, जो प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता ये असत है, नहीं कह सकते। क्योंकि जब तक अग्रजमा जब चित्र, ये जो आत्मा को प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता, किसी भी प्रमाण का विषय नहीं, परंतु उसी को स आत्मा तत्व सत्यम स आत्मा तत्व उसी को सत्य बोला गया है। इसलिए प्रमाण के द्वारा नहीं जानने से वो सत्य नहीं होगा, ये बात नहीं है। भ्रांति विषय नहीं होना चाहिए, भ्रांति के विषय होगा तो मिथ्या होगा। देखिए जिस प्रकार इस समय भ्रांति से मैं अपने को जानता हूँ, भ्रांति अपने को क्या जानता हूँ, मैं मनुष्य मैं स्वामी सर्वानंद, ये मिथ्या ही गान मिथ्या है, ये गान सही नहीं है, ये आपकी बोलते हैं। इसलिए ये जो मैं हूँ ये मिथ्या नहीं है, ये जो मैं सर्वानंद ये हिस्सा मिथ्या है, ये हिस्सा मिथ्या। इसलिए आप ये बोलते हैं अद्वैतम असत अप्रामाणिक रज्जु सर्ववत, यहाँ पे उपाधि क्या हो जाएगा, उपाधि किसको बोलते हैं, साध्य व्यापकत्व से साधन अव्यापकत्व, मतलब जहाँ पे साध्य है वहाँ पे रहना चाहिए, जहाँ पे साधन है वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे उपाधि क्या है, यहाँ पे उपाधि क्या है, भ्रांति विषयत्म, यानी हम क्या व्याप्ति दिखाएंगे, हम ये व्याप्ति बोल रहे हैं। आपने व्याप्ति क्या दिया, जहाँ जहाँ प्रमाण प्रमाण की अभाव वो असत, जो प्रमाण जो प्रामाणिक नहीं है असत है। वेदांत बोलते ये बात नहीं है, जो भ्रांति का विषय होता है वो असत है। आप उस भाषा को छोड़ दीजिए, समझने वाली भाषा को समझिए, न्याय की भाषा को यत्र यत्र तत्र तत्र हो रहे। हमारा सामान्य क्या है कि जो प्रमाण को बोलते हैं, जो प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता वो असत है। वेदांती बोलते हैं ये बात नहीं है, जो भ्रांति का विषय होता है वो असत होता है, बस इतना ही मात्र। ठीक है, ये आपको समझ में आता है। और ये इसीलिए ये उपाधि हो गया, और उपाधि लगाने के लिए जो कला है साध्य व्यापक साधन अव्यापक, आपका दृष्टांत में हेतु और साध्य दोनों बैठा हुआ है। ठीक है ना, दृष्टांत में, तो दृष्टांत में बैठा दो किसको, उपाधि को, और पक्ष में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पक्ष में हेतु है, पक्ष में हेतु बैठे, हेतु के साथ उसका रहना नहीं चाहिए, और जहाँ पे साधु है वहाँ पे रहना चाहिए। अब देखिए दृष्टांत क्या है, यहाँ पे रज्जु सर्प ये दृष्टांत है, रज्जु सर्प प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक है,
अप्रामाणिक, रज्जु सर्प अप्रामाणिक, तो अप्रामाणिकत्व जो है आपको हमें उपाधि बैठ जाएगा। और जो अद्वैतम, अद्वैतम जो है ये अप्रामाणिक है कि प्रामाणिक है? प्रामाणिक है, इसलिए अप्रामाणिक उसमें वो जो नहीं बैठेगा। अप्रामाणिक भ्रांति विषय, भ्रांति विषय तो होता है ना वहाँ पे, तो यहाँ पे रज्जु सर्प भ्रांति का विषय होता है, रज्जु सर्प भ्रांति का विषय है, अद्वैत भ्रांति का विषय नहीं होता, अद्वैत प्रामाणिक विषय होता है। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि ये हमारा जो क्या बोला कि उपाधि को दृष्टांत में बैठना चाहिए। उपाधि क्या है? भ्रांति विषय। दृष्टांत क्या है यहाँ पे? रज्जु सर्प, रज्जु सर्प भ्रांति का विषय होता है। तो आपका उपाधि को साध्य में बैठना चाहिए, वो हाँ जहाँ पे साध्य है वहाँ पे बैठना चाहिए। दृष्टांत में हेतु और साध्य दोनों है, दृष्टांत में हेतु और साध्य दोनों बैठा हुआ है। अब देखिए हमारा शरीर, इसलिए तो मैं बोला इसलिए आपको साध्य के साथ व्यापक होना चाहिए। साध्य के साथ व्यापक मतलब क्या हो जाएगा? जहाँ साध्य है वहाँ पे आपका हेतु होना चाहिए। तो आप क्या हो जाएगा, जो जो वस्तु मतलब भ्रांति का विषय होता है वो क्या होता है? असत्य। तो व्याप्ति क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ जत्ते भ्रांति विषय असत्य, भी हमारी व्याप्ति है वो क्या? साध्य व्यापक हो गया। साध्य क्या था इस अनुमान में? साध्य क्या था? असत्य। साध्य का व्यापक हो गया, इसलिए साध्य का व्यापक हो गया। और देखिए अद्वैत पक्ष है, ठीक है ना, पक्ष में नहीं बैठना चाहिए ये अद्वैत भ्रांति विषय बैठेगा, अद्वैत में नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। तो फर्क क्या है? दृष्टांत में बैठा, ये संक्षेप में उपाधि लगाने का घटाने का उपाय यही है कि दृष्टांत में उपाधि बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा ये देखो, और पक्ष में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा ये देखो। दृष्टांत में बैठना चाहिए, पक्ष में नहीं बैठना चाहिए, तो उपाधि लग गई। उपाधि लगने का मतलब क्या हो गया? आपका व्याप्ति में असिद्धि है। इससे अभिप्राय क्या होता है कि यानी कि जो भ्रांति का विषय नहीं होता है वो सत्य होता है। मतलब उपाधि के अभाव से साध्य, अभाव सिद्ध करना उपाधि देने का अभिप्राय है, जिसको मैं बताया था आपको पहले। उपाधि के अभाव से साध्य अभाव सिद्ध हो जाएगा। जो भ्रांति का विषय नहीं होता वो अद्वैत से, जब तक भ्रांति विषय है तब तक द्वैत रहेगा, तब तक द्वैत प्रपंच रहेगा। इसीलिए यहाँ पे ये जो अद्वैत असत अप्रामाणिक रज्जु सर्प और सात नंबर टिप्पणी का छोटा सा एक युगल के पास के बिल्कुल कर्म छोटा सा उपाधि लगा के तीस करता कितना टेक्निकली जो छुपा हुआ है या नहीं। इस उपाधि लगाने के लिए भ्रांति विषयत्व मत उपाधि दृष्टि अनुमान व्याप्त दोष के द्वारा ग्रसित है, ये समझना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे उपाधि दृष्ट क्या हो गया? भ्रांति विषयत्व मत उपाधि मतलब व्याप्ति में असत्य है आपका, कि अद्वैतम असत अप्रामाणिक ये बात नहीं है। जो होगा कि आपको व्याप्ति क्या है? जहाँ जहाँ भ्रांति जो भ्रांति का विषय होता है वो असत्य, जो प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता ये असत है, ये नहीं है, ये अभिप्राय हो गया। अच्छा फिर आठ नंबर टिप्पणी तक अकल्पितत्व असिद्धता, मतलब वो जो है कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अद्वैतम असत अप्रामाणिक रज्जु सर्प इति तब अकल्पितत्व असिद्धता, मतलब वो जो आपका सामान्य अंश हो वो कल्पित नहीं है, ये आप नहीं कह सकते हो ये सर्प है ये रज्जु है। इस वाक्य में एक भाग कल्पित है, एक भाग सत्य है, एक भाग मिथ्या है, ऐसा आप नहीं कह सकते हो, ये पूरा ही पूरा मिथ्या मानना पड़ेगा आपको। इसलिए बोलते हैं तब अकल्पित असिद्धि की संगति। आठ नंबर टिप्पणी देखिए, सत्य अकल्पितत्वे एकीकृत भाव, सत्य और अकल्पितत्व इन दोनों को एक साथ मिला करके बोलते हैं सत्य अकल्पितत्वे, इन दोनों को मिला दिया। जो सत्य होता है वो अकल्पित होता है, आज जो असत होता है वो कल्पित होता है। इसलिए सत्य अकल्पितत्व एकीकृत तक अकल्पितत्व असिद्धि, वो जो आपने एक हिस्सा जो है अकल्पित है ये जो आप कह रहे हो ये सिद्ध नहीं होता कि संकते। अब यहाँ पे कौन सा कहाँ पे रहेगा सिद्धांत में? भाष्य में कौन सा प्रतीक है? रज्जु सर्पवत असत्यमिति अद्वैत, अद्वैत भी रज्जु सर्प के समान असत है ऐसा हम कहें तो न, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? उसको लेकर के देखिए टीकाकार लिख रहे हैं, रज्जु सर्पस्य असत्य भ्रांति विषयत्व प्रयोजकम्। रज्जु सर्प असत क्यों है? प्रयोजक मतलब हेतु, प्रयोजक किसको बोलते हैं? हेतु, ठीक है ना। रज्जु सर्प भ्रांति है क्योंकि रज्जु सर्प असत है क्योंकि वो भ्रांति का विषय है। रज्जु सर्प असत है क्यों? क्योंकि वो भ्रांति का विषय है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं भाई रज्जु सर्प तो असत्य, रज्जु सर्प असत है
क्यों? भ्रांति विषयत्म प्रयोजन, उसके पीछे कारण है, प्रयोजन मतलब कारण हेतु, वो भ्रांति का विषय है। इसे रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प असत है, क्यों? क्योंकि वो भ्रांति से दिखाई पड़ता है। इस सिद्धांतवादी का सिद्धांत बोल रहे हैं, इसको उच्चारने का सिद्धांत आत्मनस्तु, परंतु आत्मा भ्रम साक्षित्वात्, आत्मा भ्रम का साक्षी है, आत्मा भ्रम का विषय नहीं है। यद्यपि मैं इसका क्लैरिटी करूंगा आपके सामने, थोड़ा रुकिए, पहले इस पंक्ति को समझ लीजिए। आत्मनस्तु भ्रम साक्षित्व नियमेन भ्रम अविषयत्व, जो व्यक्ति इस विषय को देख रहे हैं, हम ठीक देख रहे हैं गलत देख रहे होगा अलग है, परंतु क्योंकि मैं इसको देख रहा हूँ तो मैं इससे हमेशा अलग हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं आत्मा का तो तू मतलब इसका भिन्न, आत्मनस्तु भ्रम साक्षित्व, आत्मा भ्रम का साक्षी है, आत्मा भ्रम का विषय नहीं है। जिसका बता रहे थे भ्रम कहाँ होता है, देखने वाला मैं, हमारे सामने कोई वस्तु दिखाई देगा उसमें भ्रांति होता है सिनेमे के कारण। तो आत्मा देखने वाला है कि भ्रांति का विषय है, देखने वाला है, इसीलिए यहाँ पे वो भ्रांति का विषय नहीं बन सकता। यद्यपि सिद्धांत मुख्य सिद्धांत के अनुसार जैसा रज्जु, रज्जु एक अलग परिच्छिन्न वस्तु है और देखने वाला मैं एक परिच्छिन्न शरीर, जब मैं अपने शरीर रूप में मानता हूँ तो दृष्टांत में ये बोल सकते हैं, परंतु दृष्टांत में आत्मा ही पूर्ण व्यापक है, जो देखने वाला है वही अपने को देखो भी, वही रज्जु में भी वही दिखाई पड़ रहे हैं, रज्जु में भी वही दिखाई पड़, परंतु ये ज्ञान अभी हमारा है नहीं, फर्क हमको अलग करके अलग मान्यता भी इसका अलग करके दिखाई पड़ता है। जब ये ज्ञान हो जाए तो भ्रांति होने का संभव ही नहीं है, ये तो ज्ञान है, ठीक है। इसलिए आप बोलते हैं, इसलिए मैं बोले इसका क्लैरिटी समझ करें, दृष्टांत दृष्टांत में इतना भाव भिन्नता है, इसलिए आत्मनस्तु, परंतु आत्मा का तो भ्रम साक्षित्ता, आत्मा भ्रम का साक्षी होने का नियम है ना, भ्रम अविषय, नियम पूर्वक भ्रम का अविषय है, भ्रम अविषय न असत्यम, इसीलिए जो भ्रम का विषय होगा वो असत होगा। आत्मा कभी भी भ्रम का विषय नहीं है, क्योंकि आत्मा दृष्टा है, इसलिए आत्मा में कभी कल्पना नहीं है, वो कभी असत हो ही नहीं सकता। इति उत्तर आवश्यक मन में रखते हैं, इसका उत्तर दें। वहाँ पे देखिए 10 नंबर है, 11 नंबर टिप्पणी है, ना 9 नंबर भी है, हाँ 9 नंबर रज्जु हाँ 3 है, रज्जु सर्वत्र असत्य भ्रांति विषयत्म प्रयोजन, पहले एक सेंटेंस है जो पूरा हो जाता है, रज्जु सर्व को हम असत इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भ्रांति का विषय है, फर्स्ट सेंटेंस ही हो गया। अब ये दृष्टांत में घटा दिया, अब दृष्टांत में बोल रहा है आत्मा कभी भी भ्रांति का विषय नहीं बनता, आत्मा भ्रांति का दृष्टा हो रहा है, इसलिए आत्मा कभी असत नहीं हो सकता। जो भ्रांति का विषय वाले व्यक्ति क्या है, जो भ्रांति का विषय है वो असत होता है, ये व्यक्ति, ये व्यक्ति आत्मा में घटती नहीं है। इसलिए 9 नंबर टिप्पणी व्यक्ति का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सहचर्य नियम व्यक्ति ऐसे बोलते हैं, मैं one which cannot be seen without the presence of the other, इसी को व्यक्ति बोलते हैं। One you cannot see without the presence of the other, that is व्यक्ति। You cannot see smoke without the presence of the fire. You cannot see greenery without the presence of water. Not artificial, original. This is called व्यक्ति। हो सकता है इसका कोई टेक्निकल टर्म वो लोगों ने दिया होगा, परंतु हम इंग्लिश भाषा में इसका कोई पुस्तक पाएंगे, उससे तो समझ में आ जाते हैं। व्यक्ति एक सहचर्य नियम है, व्यक्ति टेक्निकल टर्म है, दोस वो ऑलवेज लिविंग टुगेदर, दैट इज व्यक्ति। सहचर्य नियम द रूल ऑफ लिविंग टुगेदर इज व्यक्ति। रिलेशन है, रिलेशनशिप, कोरिलेशन, कोरिलेशन इज सहचर्य नियम ऑफ व्यक्ति। दो वस्तु एक साथ रहता है इसी को व्यक्ति। तो यहाँ पे देखिए कि 9 नंबर टिप्पणी में देखिए, भ्रांति विषयत्म प्रयोजकम तथा च उक्तम अप्रामाणिकत्म अप्रयोजकम। क्योंकि हमारे क्या है कि जो भ्रांति का विषय है वो असत होता है, इसीलिए आपने जो कहा था कि अप्रामाणिकत्म, ये अप्रामाणिकत्म असत्य को सिद्ध करने के लिए हेतु नहीं बन सकता। आपने असत को सिद्ध करने के लिए हेतु क्या दिया था, अप्रामाणिकत्व। मतलब व्यक्ति क्या है, जो भ्रांति का विषय है वो असत है, इसलिए आपका हेतु आपका साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा, इसलिए अप्रयोजकम हेतु ये बोलते हैं यहाँ पे। तथा च उक्तम अप्रामाणिकत्व अप्रयोज, इसलिए अप्रामाणिकत्व रूपी हेतु अपना साध्य को सिद्ध नहीं कर पा, अप्रयोजकम एव प्रमाणस्य असत्य अभावे। देखिए प्रमाणस्य असत्य अभावे, असत्य अभाव मतलब असत्य का अभाव है,
प्रमाण से सत्य की अनावस्था, यदि प्रमाण सत्य वस्तु को प्रमाण कर जाए तो अनावस्था वो सिद्ध हो जाएगा। प्रमाण और सिद्धत्व अनहत्व है, और आत्मा प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो रहा योग्य वस्तु नहीं है, और अनुकूल करके विधुरता आपके पक्ष में के अनुकूल, जैसे हम बोलते हैं यदि अनुकूलता को क्या है, यदि बन्ही नाशक कहीं धूमो भी नाशक, क्योंकि सहजा चलिए हमने देखा ये अनुकूल तर्क है, परंतु यहाँ पे एक अनुकूल तर्क आपको नहीं मिलेगा कि यदि प्रमाण के विषय नहीं है तो असत्य का ऐसा नहीं मिलता, जो भ्रांति का विषय होता है वो असत होता है, ये सभी बातें होती है, उसके सामान्य नियम है। ये यहाँ पे बोलते हैं कि प्रमाण असत्य अभाव है, प्रमाण जो है असत्य का अभाव होने पर अनावस्था भया एक हो क्या हो जाएगा, मतलब ये सत्य ये कैसे निर्णय करके हमारे यहाँ पे वैदांतिक सिद्धांत के अनुसार ये प्रमाण प्रमेय आदि सारा व्यवहार आध्यात्मिक होता है। तो आप जिस प्रमाण से देख रहे हो ये प्रमाण प्रामाणिक है, द्वैत तो देखने के लिए इसके पीछे क्या प्रमाण है, क्योंकि शास्त्र जो आप प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा मानते हो तो आगम प्रमाण उसको बाधित कर देता है, आगम प्रमाण उसको बाधित कर देता है, अब उसको भी सत्य मानोगे तो उसका सत्य को प्रूफ करने के लिए एक और अनावस्था दोष आ जाता है। प्रमाण सिद्धत्व अनहतया, और आत्मा प्रमाण के द्वारा सिद्ध होने योग्य वस्तु ही नहीं है, क्योंकि वो किसी इंद्रिय ग्राही नहीं है, इसलिए प्रमाण किसी कथम सर्व वेदांत सिद्धम ब्रवेमी आत्मा वेदांत सिद्धांत से सिद्ध होते कैसे बोलो, प्रमाण सिद्धतया सेकंड क्वेश्चन, और अनुकूल तर्क विरह तत्व, अनुकूल तर्क का मतलब क्या है कि सहचर्य नियम किसी के साथ नहीं होने के कारण आत्मा अकेला ही है, किसी के साथ इसका संस्पर्श कभी नहीं होता, तो यदि हम कहें कि ये व्यक्ति नहीं होता तो ये व्यक्ति भी नहीं दिखाई पड़ता, ये हम तब कह सकते हैं दोनों हमने किसी के साथ वो सहचर्य नियम पालन किया होता था, तो आत्मा किसी के साथ एक साथ ये अकेला है, द्वैत तो वहाँ पर है नहीं, इसके साथ सहचर्य नियम होगा, इसीलिए इस पक्ष में कोई अनुकूल तर्क भी आप नहीं देख सकते हैं। ये अभिप्राय से बोल रहे हैं कि भ्रांति विषयतम प्रयोजक थी, हमारे यहाँ पे हेतु है जहाँ जहाँ भ्रांति विषय है वो असत होता है इतना ही, परंतु आत्मा के लिए तो आत्मनस्तु रश्म वर्णनु अस्तु तरी भ्रांति विषयत्व एव आत्मन असत्य, वो कहते हैं कि तो आत्मा भी भ्रांति का विषय है इसीलिए आत्मा असत हो, कैसा मान लिया जाए, क्या बोल रहे हैं कि आत्मा भी भ्रांति का विषय है इसलिए आत्मा असत है ऐसा मान लिया जाए, आप बताओ मैं हूँ ये सब जब आप बोलते हैं आपको लगता है कि मैं भ्रांति से बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोल, इसलिए आत्मा तो भ्रांति का विषय बन ही नहीं सकता, इसीलिए आप बोलते हैं ननु अस्ति तरी भ्रांति विषयत्व एव आत्मन असत्य, तब ऐसा मान लिया जाए आत्मा भी भ्रांति का विषय इसलिए आत्मा भी असत हो जाएगा, यदि आशंका आत्मनस्तु आत्मा कभी भी भ्रांति का विषय नहीं बनता, आत्मनस्तु ब्रह्म साक्षित्व नियमे न ब्रह्म अविषयत्व न असत्य मित्यु, ये 9-10 नंबर टिप्पणी हो गया हमने यहाँ पे देखो, आत्मनस्तु कदाचित भ्रम विषयत्व अप्रयोजकम सर्व भ्रम काले रज्ज्व अपि तद विषयत्व अपि असत्य अभाव, जिसमें देखिए कदाचित भ्रम विषयत्व अप्रयोजकम, आत्मा में कभी भी भ्रम विषयत्व हेतु बैठ ही नहीं सकता, हेतु बैठ नहीं सकता, सर्व भ्रम काले जिस समय आपको रज्जु में सर्व भ्रांति हो रहा है उस समय रज्ज्व अपि तद विषय रज्ज्व आत्मा का विषय बनता है, आत्मा तो दृष्टा रहता है इसलिए आत्मा में भ्रांति नहीं होती, इसलिए मैं भ्रांति का विषय नहीं बन सकता हूँ, वो दृश्य हो गया मैं दृष्टा हो गया कि मैं दृश्य नहीं हो सकता हूँ, इसीलिए आत्मा में कभी असत्य का प्रश्न ही नहीं उठता, आत्मा की कभी भी सत्ता की लोप कभी भी नहीं हो सकता किसी भी अवस्था में, देखो प्रलय काल में भी, प्रलय काल में भी क्योंकि प्रलय के साक्षी रूप में नहीं देखते, नहीं तो प्रलय भी सिद्ध नहीं होता, किसी भी वस्तु को सिद्ध करने के लिए उसके पीछे किसी भी अभाव को सिद्ध करने के लिए अभाव को जानने वाला चाहिए, इसलिए वेदांत में कोई अभाव नहीं होता, अभाव भी भावात्मक है, क्यों उस अभाव को जानने वाला भी भावात्मक वस्तु को देखते हैं, इसलिए आगे देखते हैं कि कदाचित भ्रम विषयत्म अप्रयोजकम सर्व भ्रम काले रज्ज्वापि तद विषयत्व असत्य अभाव, क्योंकि वो आत्मा का विषय हो जाने का आत्मा में कभी असत्य होता ही नहीं, भ्रम विषयत्व व्याप सत्ता कस्व असत्य प्रयोजक आत्मनि असिद्धत्वादिति, अब देखिए यहाँ पे ऐसा बोलते हैं बन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, इस शब्द का अर्थ हो गया बन्ही का जो व्याप्य है क्या है, बन्ही यत्र यत्र धूम्र तत्र तत्र बन्ही, व्याप्य हो गया धुआं और बन्ही हो गया व्याप्य,
तो वन ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, जैसे जब हम बोलते हैं मतलब वन ही का जो व्याप्य है वो धुआं, वो धुआं की तरह ग्रसित है ये पहाड़। ये ऐसा बोलने से क्या होता है, इसीलिए पहाड़ में अग्नि है, इसलिए पर्वत वन्यमान ऐसा बोलते हैं। यहाँ बोलते हैं भ्रम विषयत्व व्याप्य सत्ता तत्व, भ्रम का विषय से जो व्याप्य है वो जो सत्ता व्याप्य सत्ता तत्व च असत्य प्रयोजक तस्य, जो असत्य के लिए प्रयोजक होता है आत्मा ने, वो आत्मा में कभी सिद्ध ही नहीं होता, वो आत्मा में असत्य कभी सिद्ध ही नहीं होता। असत बनने के लिए जो भ्रम का विषय होना चाहिए वो आत्मा में कभी सिद्ध ही नहीं होता। इस प्रकार अग्नि होने के लिए जिस धुआं को वहाँ होना चाहिए वो सिर्फ पर्वत में सिद्ध होता है, इसीलिए पर्वत में धुआं है हम बोलते हैं। परंतु असत होने के लिए जो भ्रांति विषय, तो भ्रांति विषय तो आत्मा में कभी सिद्ध ही नहीं होता, इसीलिए आत्मा असत कभी नहीं हो सकता, आत्मा असत कभी नहीं हो सकता। ब्रह्म विषयत्व व्याप्य सत्ता तत्व च असत्य प्रयोजक, जो असत्य के लिए प्रयोजक है आत्मा ने असिद्ध करता है। असत्य के लिए प्रयोजक क्या है, कोई वस्तु असत है उसके लिए प्रयोजक में हेतु क्या है, भ्रांति विषय होना चाहिए। भ्रांति विषय आत्मा कभी होता ही नहीं। जहाँ पे भ्रांति होती है, मैं मनुष्य हूँ ये लगता है कि हम सच बोल रहे हैं, पर शास्त्र बोलते हैं तो मैं ही गलत कर रहा हूँ। मैं हूँ सच भाग है, मनुष्य हो गलत है, तुम मनुष्य नहीं, असंग अकर्थ अभक्त शुद्ध व्यापक तत्व। यही चीज यहाँ पे बोलना कि आत्मनस्तु ब्रह्म साक्षित्व नियमेन ब्रह्म अविषय तत्न असत्य असत्यमिति उत्तर महर्षि को मन में व्यक्ति उत्तर देते हैं सिद्धांत पक्ष, क्या उत्तर देते हैं, न एकांतेन अविकल्पितत्वात्, है ना, आत्मा में कभी विकल्प, 11 नंबर टिप्पणी, हाँ भ्रम साक्षित्व, ठीक है ना, 11 नंबर भ्रम साक्षित्व नियम है ना, भ्रम अविषयत्व हेतु, आत्मा कभी भ्रम का विषय बनता ही नहीं है, इसके लिए हेतु क्या है, क्योंकि भ्रम का साक्षी है, क्योंकि आत्मा भ्रम का साक्षी है इसलिए भ्रम का विषय नहीं बन सकता। इसीलिए हमें बोलते हैं नियम है ना भ्रम अविषयत्व हेतु, दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं तो लड़ाई का विषय बन गया दो व्यक्ति, इन दोनों में कौन साक्षी होगा बताओ, इस लड़ाई का साक्षी कौन होगा, दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं तो लड़ाई का विषय बना, इन दोनों में लड़ाई का साक्षी कौन होगा, इससे भिन्न कोई, इससे भिन्न कोई व्यक्ति का, दो व्यक्ति जो आपस में लड़ रहे हैं वो लड़ाई का साक्षी नहीं हो सकता है, लड़ाई का साक्षी देखने वाला इससे कोई भिन्न होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार जो भ्रम का विषय बन गया है वो भ्रम, जो भ्रम का विषय बन गया है वो जो है साक्षी नहीं हो सकता, परंतु जो भ्रम का विषय नहीं बना वो हमेशा साक्षी है, इसलिए आत्मा कभी भ्रम का विषय नहीं बनता, इसलिए आत्मा असत नहीं है, आत्मा हमेशा साक्षी है। इसी को मन में रखते होता है ब्रह्म साक्षित्व, देखिए बोलते हैं नियमेन ब्रह्म अविषयत्ते, नियम पूर्वक ये भ्रम का विषय कभी नहीं बनता, कौन आत्मा, क्यों नहीं बनता, क्योंकि साक्षी है, दृष्टा ही, ये जो आपने बोला बिल्कुल सही, शरीर लड़ रहा है, दो शरीर लड़ रहे, आत्मा अंदर बैठ कर उसको देख रहा है, आप अंदर में लाइए, बाहर ही दो व्यक्ति लड़ रहे, तीसरा व्यक्ति देख रहे हैं, ये साक्षी हो गए। अब आत्मा के लब्ध आप देखेंगे तब क्या होगा, दो शरीर आपस में लड़ रहा है, आत्मा साक्षी है, और दोनों शरीर में आत्मा एक ही है साक्षी, इसे आत्मा कभी भ्रम का विषय नहीं बन सकता। क्योंकि जब ये भ्रांति बाध हो जाता है तब कौन बचते हैं, कोई बड़ी शिष्य आत्मा साक्षी आत्मा ही बचा रहते हैं, है ना, इसलिए होते हैं भ्रम बाधे जो भ्रांति विषय को निषेध परिशिष्य मानत्व, भ्रांति का बाध हो जाने पर जो भ्रांति का अधिष्ठान जो बचा रहता है वो कल्पित नहीं होता, वो कौन है, वो रज्जु के इदम अंश है, वो रज्जु के इदम अंश है, कल्पित हो गया नाम रूप अंश, मतलब ये रज्जु है अथवा ये मरीचिका है अथवा ये पानी है, और नहीं नहीं ये पानी नहीं है ये बालू है, तो ये है ये करके जो आप बोल रहे वो हिस्से कल्पित नहीं है, पानी और बालू में कल्पित है, अभिप्राय से बोलते हैं आत्मा में कभी भी मतलब कल्पना होना संभव नहीं है। ब्रह्म साक्षित्व न नियमेन ब्रह्म अविषयत्व, ब्रह्म अविषयत्व न असत्यम, इसलिए आत्मा की सत्ता की कभी भी, यानी इसीलिए त्रिकाल अवाधत्तम सत्यत्व, कौन है वो वस्तु, आत्मा, क्योंकि आत्मा की सत्ता कभी बाधित नहीं होता, आप तीनों काल में आत्मा की सत्ता कभी बाधित नहीं होता, इसीलिए आत्मा सत्रूप है, त्रिकाल अवाधत्तम सत्यत्व में हम क्या बोलते हैं, जो तीर आत्मा की सत्ता कभी बाधित नहीं,
ठीक है ना। इसलिए आत्मा ही एकमात्र सत वस्तु संसार में असत नहीं है, कल्पित वस्तु नहीं है, यह अभिप्राय है। न एकांत न अविकल्पित। अब जो है एक और होता है अप्रामाणिकत्व हेतु अनैकांतिकत्व दोषांतरम। एक दोष क्या उपज अनुमान में पहला दोष क्या दिया था, तो व्यापत्व असिद्धि और आपका हेतु व्यभिचारी है। व्यभिचारी हेतु क्या होता है, साध्य अभाव व्यभिचारित्व। साध्य अभाव में भी यदि आपका हेतु बह गया तो हेतु को व्यभिचारी हेतु बोलते हैं। साध्य अभाव में भी जल भाग में आप नहीं है वहां पर यदि आपको धुआं की भ्रांति हो जाता है तो हेतु व्यभिचारी, ठीक है, व्यभिचारी हेतु उसको बोलता है साध्य अभाव में जो बैठता है। तो आपने जो ये अप्रामाणिकत्व हेतु दिया वो क्या है, साध्य अभाव। साध्य यहाँ पे क्या है, असत। असत के अभाव क्या हो जाएगा, सत। सत अंश कौन सा है, ये है, वहां भी तो वो बैठा हुआ है, अप्रामाणिकत्व बैठ जाएगा। यदि आप जो कह रहे हो कि एक वाक्य में दो भाग नहीं हो सकता, एक भाग एक वाक्य में दो भाग नहीं हो सकते, एक प्रामाणिक एक अप्रामाणिक, ये नहीं हो सकता, तो हम बोलेंगे तब आपका क्या हो गया कि हमारे सिद्धांत के अनुसार हम उसके व्यभिचारी बोलते हैं, मिथ्या बोलते हैं, जो परिवर्तन होता है, और जो परिवर्तन नहीं होता सत्य वस्तु होता है। तो ये सर्प है और ये रज्जु है, इन दोनों में परिवर्तन किसका हुआ, सर्प और रज्जु में, तो उतना हिस्सा व्यभिचारी है और ये है ये अव्यभिचारी है। यदि आप कहोगे कि एक बात कोई पूरा बात को अप्रामाणिक है, हमारे सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा, जो सत्य में भी आपका हेतु जाकर बैठ जाएगा। सत्य मतलब तो सत्य वस्तु है कि ये है, वहां पे आपका क्या हो जाएगा, अप्रामाणिक तो बैठ जाएगा। अप्रामाणिक आपका हेतु व्यभिचार हेतु भी हो जाएगा। अप्रामाणिकत्व हेतु अनैकांतिकत्व दोषांतर, ये हेतु में आपका व्यभिचारित्व दोष भी है। क्यों, देखो अविकल्पित रज्जु अंश भाष्यकार हमें क्या बोलते, अविकल्पित रज्जु अंश प्राक सर्प अभाव विज्ञान। सर्प अभाव की विज्ञान से पहले भी, वहां पर सर्प नहीं है, इस विज्ञान से पहले भी जो अकल्पित रज्जु अंश है कौन सा, ये है, ये भाग है ना, वहां पे भी आपका अप्रामाणिकत्व हेतु बैठ जाएगा। यदि एक बात को दो चीज को नहीं प्रतिपादन करता है तब आपका हेतु हमारे सिद्धांत कौन सा व्यभिचारी हेतु भी होगा। व्यक्ति में भी दोष है और हेतु में व्यभिचारी तो भी है, इसलिए हम बोलते हैं अप्रामाणिकत्व हेतु अनैकांतिकत्व दोषांतर। अविकल्पित रज्जु अंश अंशवत् प्राक सर्प अभाव विज्ञान है ना, सर्प अभाव के विज्ञान से पहले जो आपको क्या है कि ये सर्प है, सर्प अभाव क्या नहीं है, क्या सर्प है, तो बस ये सर्प है, तो ये है जो व्यभिचार नहीं कर रहा है, वहां पे भी आपको अप्रामाणिक तो बैठेगा, पर ये अप्रामाणिक नहीं, ये प्रामाणिक है, इतना हिस्सा प्रामाणिक है, इसलिए आपका हेतु में व्यभिचारित्व भी बैठ जाएगा। क्योंकि जब सर्प ज्ञान होगा फिर भी उसका व्यभिचार नहीं होगा, क्यों, जब आपका रज्जु ज्ञान होगा फिर भी उसका व्यभिचार नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, ये सर्प नहीं है, ये रज्जु है, उसको संशय व्यभिचार नहीं हो, इसी को देखकर समझा रहे, ठीक है। नायम सर्प रज्जु रेश इति, ठीक है, नायम सर्प रज्जु रेश, ये सर्प नहीं है, ऐसा ये दूसरा लिंग है, ये रज्जु है इति सर्प अभाव ज्ञान पूर्वक। यहाँ पे सर्प की अभाव के ज्ञान सामने रख करके पूर्ववर्ती रज्जुत्व निश्चय सामने दिखाई दे रहा है, रज्जु का निश्चय हो जाने के निश्चय निश्चयात्रा, इसके निश्चय होने से पहले भी प्राग अवस्थायाम प्रामाणिकत्व अभाव अपि है ना, प्रामाणिकत्व हमें मानने पर भी सन एव अज्ञात रज्जु अंश वहां विद्यमान है, एक अज्ञात रज्जु अंश कहाँ, ये है, ये क्या है ये आप नहीं जानते हैं, परंतु ये है जो है वो अज्ञात रज्जु अंश होकर वहां विद्यमान है, वो अभ्युपगम्यत ऐसे हमारे द्वारा माना जाता है। क्योंकि एक ही साथ यहाँ पे एक व्यभिचारी तत्व भी है, एक अव्यभिचारी तत्व भी है, कि नहीं, व्यभिचारी तत्व क्या है शरीर, और अव्यभिचारी तत्व क्या है आत्मा है। ये इसलिए इस भाग को हम नहीं कर पाते, हम दोनों को मिला देते हैं, इसलिए सिद्धांत को उसको समझा रहे हैं। देखो वो जो सामने रज्जु दिखाई दे रहा है वहां पे एक व्यभिचारी भाग है, एक अव्यभिचारी भाग है, अव्यभिचारी भाग है ये है और व्यभिचारी भाग है रज्जु सर्प नाम रूप। अब इस नाम हिस्सा को मिथ्या बोलते हैं जगत की, कल भी मैं बताया था त्रिशु अपि कालस्य जगत सत्तम न व्यभिचरति, तीनों काल में जगत कभी अपनी सत्ता का व्यभिचार नहीं करता, नाम रूप का व्यभिचार करता, उतना हिस्सा में जगत में मिथ्या बोलते हैं। और वो भी और बताया था कि मिथ्यात्व में भी जिस समय हम बोलते हैं सर्व मिथ्या है, किसके सापेक्ष में सर्व मिथ्या है, रज्जु के सापेक्ष में, क्योंकि सत्य सर्व प्रातिभाषिक सत्ता है, रज्जु व्यवहारिक सत्ता है। जिस समय हम बोलते हैं रज्जु मिथ्या है उस समय उस रज्जु के मिथ्यात्व किसके सापेक्ष में बोलता है, पारमार्थिक सत्य आत्मा के सापेक्ष में रज्जु मिथ्या।
ये छोटे छोटे मतलब जो सिद्धांत है उसको नहीं पकड़ पाने के कारण वेदांत और सिद्धांत समझने में कठिन पड़ता है। पारिभाषिक शब्दों को यदि आप समझ जाएंगे तो वेदांत पक्का बैठ जाएगा। ज्ञानायम सर्प रज्जु एषा इति सर्प अभाव, सर्प अभाव ज्ञान पूर्वक, सर्प अभाव के ज्ञान पूर्वक पूर्ववर्ती रज्जु, तो निश्चय प्राप्त सामने रज्जु है, इस निश्चय से पहले भी रज्जु की एक अंश भविष्य नहीं किया, प्राप्त अवस्थाया प्रामाणिकत्व अभाव भी जब तक उस बात में प्रामाणिकता नहीं है फिर भी सन एव अज्ञात रज्जु अंश है, एक रज्जु तो ये है कहकर जो विद्यमान है वो अभ्युगम्य ऐसा वेदांत एक भाग हो गया। फिर आगे और एक मजेदार बात बोलते हैं, देखो तथा सदैव प्रामाणिकत्व अभाव अपि, जिस आत्मा किसी प्रमाण के तरह नहीं जाना जाता है प्रामाणिकत्व के अभाव होने पर भी है ना, तथा सदैव सदैव प्रामाणिकत्व अभाव सन एव आत्मा भविष्यति, आत्मा हमेशा ही है, आत्मा हमेशा रहने वाला वस्तु है, प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाने पर भी आत्मा के अस्तित्व जो ये प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता है ये कौन जान रहा है, वही तो जो ही जान रहा है जिसको प्रमाण के द्वारा उसका अस्तित्व तो है, वो प्रमाण के द्वारा नहीं जाने, ये जिसको प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जा रहा है ये जो जान रहा है वो उसकी विद्यमानता है कि नहीं है, बस वही तो आत्मा है, तो इसलिए प्रमाण के द्वारा नहीं जाने 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 से वो नहीं है ये आप नहीं कह सकते हो, है ना, वो प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता है इसलिए आप नहीं कह सकते को नहीं है, क्योंकि है कोई तभी तुम जान पाते हो बोल पाते हो, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि तथा सदैव प्रामाणिकत्व अभाव विषण एव आत्मा भविष्यति, निश्चित ही आत्मा के विद्यमानता त्रिकाल अबाधत्व है इति अर्थ, आत्मन असत्व अभाव हेत्वांतरम आह, आत्मा असत नहीं है, आत्मा में असत्य के अभाव, इस विषय में एक अलग हेतु को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विकल्प इतुश्च प्राप विकल्पना उत्पत्ति सिद्धत्व अभ्युपगमात सत्व असत्व अनुपत्ति, असत्य अनुभव करते, ठीक है, वहां भी के साथ कंटिन्यू भी आएगा, दकार में हलन तब करके अकार आ जाएगा, यहाँ पे पंक्ति विकल्प हेतु मतलब विकल्प करने वाला कल्पना करने वाले का प्राप्त विकल्पना उत्पत्ति, मैं कल्पना कर रहा हूँ बैठ करके, तो मैं कभी यदि कल्पिता हूँ मैं अपने मन में कुछ सामने नहीं आया बैठ कर कल्पना कर रहा हूँ, जो भी आप कल्पना कर रहे हो उस कल्पना करने से पहले कल्पना करने वाला आप रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए, कल्पना करने वाले से होते विकल्प हेतु विकल्प कल्पना करने वाले का प्राग विकल्पना उत्पत्ति विकल्पना शुरू करने से पहले भी सिद्धत्व तो पहले से विद्यमान रहता है, ऐसा हमारी मान्यता और तुम्हारी मान्यता ऐसा है, इसीलिए आत्मा असत कभी नहीं हो सकता, असत अनुभव व्यक्ति आत्मा के असत मान अविद्यमानता कभी नहीं हो सकता, यहाँ पे एक नंबर टिप्पणी आते हैं, मतलब यहाँ पे विकल्प हेतु मतलब आरभ अधिष्ठानस्य, जब मैं कल्पना करता हूँ अपने मन बैठ कर मन में बैठ कर तो कहाँ कल्पना करते हैं, हमारे अंदर अपने मन में कल्पना करते हैं, इधर आरभ का अधिष्ठान के रूप में मैं पहले विद्यमान है, मैं पहले विद्यमान है, ठीक है भाई, इतना तो हमको समझ में आ गया कि आत्मा की अस्तित्व कभी लोप नहीं होता, इस विषय में हम रोज नहीं करते, परंतु अब देखिए टीका का आगे बोलते हैं, आत्मन द्वैत भ्रम अधिष्ठान संभावितत्व, ठीक है ना, द्वैत भ्रांति अधिष्ठान के रूप में आत्मा की विद्यमानता है, ठीक है, हमने मान लिया संभावित एक नंबर, और बाद साक्षित्व न परिशिष्टत्व, बाद के साक्षी के रूप मतलब जब आप निषेध करते जाएंगे निषेध का अंतिम रूप में अवधि के रूप में आत्मा की विद्यमानता है, कोई जानने वाला होगा निषेध का, एक दो हो गया, और पूर्व भ्रम उत्पत्ति सत सिद्धता, भ्रम उत्पत्ति से पहले अपनी अस्तित्व पहले सिद्ध होता है, ये तीन हेतु से समझ में आया, इनको जो पहले बोल कर देखिए आनंद गिरी जो पहले बोल कर आया संक्षेप में सामने ला रहे इस सिद्धांत को भूलना नहीं है तभी जाके आगे कैसा संबंध जुड़ेगा, आत्मन द्वैत भ्रांति अधिष्ठान संभावितत्व, अधिष्ठान के बिना भ्रांति नहीं होता, यह आपने सिद्ध करके दिखा दिया, अधिष्ठान के बिना भ्रांति होना संभव नहीं है,
ये जगत भ्रांति का अधिष्ठान कौन होगा? आत्मा है, कोई व्यापक तत्व होना चाहिए, इसीलिए आत्मा। ये तो सिद्ध हो गया, संभावित हो होना संभव है। फिर दूसरा क्या है, आप जब निषेध करने लग जाएंगे, निषेध करते करते ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये सब करते करते बात का साक्षी रूप में, निषेध का अंतिम अवधि रूप में जो बचता है वही आत्मा ही, हमने कहा। इसलिए होता है बात साक्षी न परिशिष्ट, दूसरा हेतु इसलिए आत्मा का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। पूर्वम भ्रम उत्पत्ति, भ्रम उत्पत्ति से पहले सतसिद्धत्व, भ्रम उत्पत्ति से पहले अपने अस्तित्व हमें अपने आप सिद्ध होता है, इसके लिए मुझे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भ्रांति से पहले आपने मरुभूमि में जा करके पानी देखने से पहले आपका अस्तित्व वहां पे पहले सिद्ध होता है कि नहीं होता है? तभी आप देख सकते हो, तब देख सकते हो। पूर्व भ्रम उत्पत्ति न च प्रमाण अविषयत्व अपि नास्ति, इसीलिए प्रमाण का विषय नहीं होने पर भी आत्मा शून्य तो नहीं हो सकता, असत्य नहीं हो सकता। यहाँ तक की बात गजल ये सिद्ध करके लिखा है, ठीक है ना। तीन रचने दिया कि द्वैत भ्रांति का अधिष्ठान है और निषेध के अवधि के रूप में जो विद्यमान रहता है और कल्पना से पहले जिसको विद्यमान होना चाहिए, इस तीन कारण से आत्मा के प्रमाण के द्वारा नहीं जाने जाने पर भी कि आत्मा के अस्तित्व तो सिद्ध हो। प्रमाण के द्वारा जिसको नहीं जाना जाता है उसको तो नहीं मान्यता देते हैं। तो मैं वो दृष्टांत दिया था आपको कि देखो जी, प्रमाण के द्वारा नहीं जानने पर भी भ्रांति का वस्तु भ्रांत ज्ञान से मिल जाते हैं। आपको क्या बोलते हैं, स्वप्न में दिखाई दे रहा है सांप, और स्वप्न में सांप अथवा कोई आपको मारने के लिए आ रहा है, आप उसको प्रतिरोध करना चाहते हैं, आप एक लट्ठी ढूंढ रहे हैं, तो आपको स्वप्न में एक लट्ठी मिल गया, वो लट्ठी सच होगा कि नहीं? लट्ठी सच होगा। सपनों में सर्पों को मारने के लिए सपनों में जो लट्ठी का प्रयोग करेंगे वो लट्ठी को सच नहीं हो सकता, दोनों मिथ्या होता है। परंतु स्वप्न देखने वाला वो जब उठ करके बोलते हैं कि मैंने कल रात को देखा था, क्या देखा था, एक सर्प मेरे को काटने के लिए आया, मैंने उसको लट्ठी को प्रयुक्त मार दिया, वो मिथ्या है कि नहीं है? देखने वाला मिथ्या है कि नहीं है? नहीं है, वो पहले विद्यमान है, उसके अस्तित्व का कभी नाश नहीं होता, यही बात आत्मा। इसलिए प्रमाण के द्वारा नहीं जाने जा पर भी परंतु उसके अस्तित्व की कभी लोप नहीं होता, इसलिए आप बोलते हैं। आप देखिए आगे बात करते हैं, यहाँ तक हमने सिद्ध कर, इसलिए सिद्धत्वाच प्रमाण अविषयत्व अपि, प्रमाण का विषय नहीं होने पर भी नास्ति शून्यता, आत्मा में शून्यता तो कभी नहीं आता, असत्य कभी नहीं आता, इति उक्तम। इदानीं प्रमिते धर्मिणी प्रतिषेध दर्शन, आपने कहा, अब बताओ कि सर्प का निषेध कर देने पर जो रज्जु आपको पास बचता है वो प्रमाण के द्वारा जाना जाता है कि नहीं जाना जाता? सर्प को निषेध कर देने पर जिस रज्जु आपके पास बचता है वो प्रमाण के द्वारा जाना जाता है कि नहीं जाना जाता है? जाना जाता है। और मरुभूमि में पानी की निषेध कर देने पर जो बालू दिखाई पड़ता है प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, प्रत्यक्ष जाना जाता है। इसीलिए बोलते हैं फिर कि इदानी अब प्रमिते धर्मनी प्रतिषेध दर्शना, प्रमाण के द्वारा जाना जाता है जिस धर्मी को, धर्मिनी एक होता है धर्मी, उसका प्रथम है धर्मी और धर्मी में रहता है धर्म, ठीक है ना। तो प्रमिते धर्म प्रमाण के द्वारा जाना जाता है जिस धर्मी को, उस धर्मी प्रतिषेध का अवधि हो सकता है। इदानी प्रमिते धर्मणि प्रतिषेध दर्शन, कोई प्रमाणिक वस्तु प्रमाण के द्वारा जाना जाता है जिस वस्तु, वो अवधि होता है निषेध का, ठीक है ना। जैसे रज्जु के लिए सर्प के लिए रज्जु, सुक्तिका के लिए चांदी के लिए सुक्तिका, अथवा पुरुष भ्रांति के लिए ठूं, वो प्रमाण के द्वारा जाना जाता है। अब यदि आत्मा को इस भ्रम भ्रांति के अधिष भ्रम के भ्रांति का अधिष्ठान अवधि रूप में मानोगे तो उसको भी तो किसी प्रमाण के द्वारा जानना चाहिए। जितना हमारे मन में शंका उठ सकता है एक भी शंका नहीं छोड़े, पूर्ववादी का बात, तो पूर्ववादी बोल रहे हैं इतना भी शंका को उत्तर देंगे, जरूरी, ठीक है। इदानीं प्रमिते प्रमिते धर्मिणी प्रतिषिद्ध दर्शनां आत्मनो अप्रमितत्वे तत्र द्वैत अभाव प्रमाणकं शास्त्रम अयुक्तम इति शंकते, ठीक है ना। इसीलिए क्योंकि सामान्य क्या दिखाई पड़ता है, प्रमाण के द्वारा सिद्ध होता है जो व्यक्ति वो भ्रम का बात का भ्रम अधिष्ठान बन सकता है बात में, परंतु आत्मनो अप्रमितत्वे आत्मा प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं होना,
ठीक है ना। इसलिए तत्र द्वैत अभाव प्रमाणकम द्वैत अप्रमापकम द्वैत के अभाव को प्रमाण करने वाला शास्त्र मौजूद है। वो शास्त्र यहाँ पे युक्ति संगत नहीं हो सकता क्योंकि प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता। आप जिस दृष्टांत को द्वारा समझा तो दृष्टांत दृष्टांत में क्या क्या भिन्नता है उसको स्पष्ट करके हमारे मन में बैठाने के लिए इसे शंका उठा रहे हैं कि मनवा शंका उठाने का क्या है। दृष्टांत दृष्टांत में क्या क्या भिन्नता है उसको स्पष्ट करके समझाने के लिए अन्य जहाँ कहेंगे भ्रांति स्थल होगा वहाँ पे जो भ्रांति का अधिष्ठान होगा वो प्रमाण के द्वारा जाना जाता है। एक तीन नंबर टिप्पणी परंतु यहाँ पे जिस दृष्टांत में हम घटाना चाहते हैं ये अलग पे ये इसीलिए तो भाई अलग बात पे कि हुआ ही नहीं ये चीज। तो आपको आत्मा भी तो किसी प्रमाण के द्वारा जानना चाहिए परंतु आत्मा प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता। इसीलिए ये भ्रम का अधिष्ठान अथवा ये भ्रांति की अभिधि कैसे हो सकता है कैसे हो सकता है ये शंका उठ रहा है। तीन नंबर टिप्पणी देखिए प्रमिते धर्मिनी मतलब प्रमाण सिद्ध धर्मिनी ठीक है। प्रमाण के द्वारा सिद्ध होता है जो धर्मी मतलब इसमें कहते हैं कुछ धर्म प्रमिते धर्मिनी प्रतिषिद्ध दर्शना आत्मा प्रमितत्व आत्मा अप्रमितत्व आत्मा प्रमाण के द्वारा ज्ञात नहीं होते। इस कारण से तत्र उस आत्मा में द्वैत अभाव प्रमापकम वो आत्मा द्वैत अभाव के अधिष्ठान है ऐसा शास्त्र में ये कहना सत्य तो युक्ति संगत नहीं माना जा सकता। यदि शंका इसको मन में रखते शंका उठाते ठीक है। तीन चीज की मान्यता दे दी क्या आत्मा द्वैत भ्रम के अधिष्ठान है और संभावना है इसका संभावना है बात का साक्षी के रूप में बचा रहता है और भ्रांति से पहले वो सिद्ध हो जाता है। परंतु इतना होने पर भी हमें क्या दिखाई पड़ता है कि प्रमाण के द्वारा जाना जाता है आपके अधिष्ठान को आत्मा के प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता तो बात का अधिष्ठान कैसे होगा। इसलिए देखिए भाष्य बोलते हैं कथम पुनः स्वरूप व्यापार अभाव शास्त्र द्वैत विज्ञान निवर्तक जिस स्वरूप में आपका हो गया शास्त्र का व्यापार नहीं हो सकता कहाँ आत्मा में आप शास्त्र आत्मा को नहीं दिखा सकता। वेरी श्योर ऑफ इट कई बार मैं बोला आप ये नहीं समझना वेदांत तो आत्मा को प्रतिपादन करता है वेदांत तो हमारे भ्रांति को दिखाती है हमारे भ्रांति को केवल मत दिखाता आत्मा सतत सिद्ध है सतत प्रमाणित है वेदांत तो आत्मा को सिद्ध नहीं कर प्रमाण सिद्ध है नहीं हो। इसलिए बोलते कथम पुनः स्वरूप प्रमाण व्यापार अभावी व्यापार मतलब स्वरूप में प्रमाण की व्यापार के अभाव होने के कारण शास्त्रस्य शास्त्रस्य स्वरूप प्रमाण व्यापार अभावे द्वैत विज्ञान निवर्तक कथम वो भेद बुद्धि कैसे मिट सकते हैं प्रामाणिक वाक्य से भेद मिट सकता है भ्रांति किससे मिटती है प्रामाणिक वाक्य से भ्रांति मिटती है शास्त्र प्रामाणिक वाक्य है और शास्त्र जब यहाँ पे प्रवृत्त नहीं होता भ्रांति कैसे मिटेगी क्या भयंकर शंका उठाया ठीक है। इसी प्रामाणिक वाक्य से आपका भ्रांति मिट सकती है। अब जब आपका भ्रांति मतलब शास्त्र की प्रमाण यहाँ पे प्रवृत्त ही नहीं हो पाता तो भ्रांति कैसे मिट सकती है। ये भ्रांति इसलिए द्वैत भ्रांति मिट जाएगी आशा मत रखना पूर्ववादी शंका की अभिप्राय तो मैं सत्य ही अभिप्राय है कथम पुनः स्वरूप व्यापार अभाव शास्त्र से शास्त्र आत्मा स्वरूप में उसका व्यापार मतलब उसको प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकता शास्त्र तो वो आपका द्वैत विज्ञान भेद बुद्धि को अगर भ्रांति को मिटा लिया कैसे कह सकते तो नहीं कहा जा सकता। अब यदि दृष्टांत में पहले से समझाते आ रहा हूँ क्या भ्रांति से मान लिया था इतना सारे भूमि को कौन काटेगा इतने सारे भूमि को कौन बीनेगा इतना सारे भूमि का क्या होगा। इससे मतलब यहाँ जो अध्यात्म से इतना सारा अज्ञान अथवा पाप पुण्य है इसको कैसे मिटेगा तब कोई आके जब वहाँ आप तो आपको गुरु आपको सुनते अरे तो ये सब पाप पुण्य वाला नहीं है असंग ही अयोग पुरुष ये पुरुष सर्वत असंग है तो पाप पुण्य सहित असंग पूर्ण न होता अंतकरण शुद्ध होते ही वो अपने आप स्फूर्त होता उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता इसको निश्चय करने के लिए अगला भाग को आगे बढ़ते हैं समय हो गया वही बात नहीं क्या है पहला वाला अजमो भी बोले थे आज कितना कौन सा दिन से पाठ चल रहा है बताओ आज तीन हाँ घोरे अशक्य उपजन उदंबती त्रासने
सर्वभावैर्नमस्ते ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति।